दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय माय लास्ट ईयर्स अप्रेजल, जो दिखने में कुछ ऐसा था। ये सब तुम लोगों के लिए। ये एडमैन मैडमैन एपिसोड 2। और इस बार की मूवी है, मूवी शुरू होती है जब पहाड़ों में रहते थे स्वामी आदित्यनंद और गांजा फूकते फूकते उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हैरी पॉटर मूवी की माँ की आंख की जाए। उन्होंने जो गांजा साफ किया था उसमें से जो बीज बचे उसने वो फूक दिए, जिसमें से निर्माण हुआ एक मैजिक स्कूल का। अरे नहीं नहीं ये तोबा, नहीं तोबा, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जहाँ स्वामी होते हैं वहीं तो जवानी होती है। बिजली, जिसने एक दिन आईने से पूछा, कौन है जो मुझे 5 करोड़ दे सकता है? तो आईने ने बताया, ये 5 करोड़ मुझे दे दो। नहीं। फिर उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और दोनों मर जाते हैं। फिर 200 साल बाद आबरा का डाबरा स्कूल में आता है एक सस्ता हैरी पॉटर, जहां उसे मिलती है सस्ती हरमाइनी, अच्छा हाँ एक गरीब डंबलडोर भी है, और सेक्सी प्रिंसिपल जिसका नाम है रंग बिरंगी, बिकॉज उसने हर रंग की ब्लाउज कम ब्रा पहनी है स्कूल में। क्या पहनी है यार, अभी ये स्कूल है या कोई रंडी कर रहा है? जब पहली बार शानू एक जादू करता है तो ये बंगाली टीचर क्या खुश होता है। देखो एक ही बार में उठा दिया, उठा उठा। फिर ये बंगाली टीचर मैजिक सिखाते सिखाते ड्राइंग टीचर बन जाता है और ऐसे कलर बेचने लगता है। कैमल ऑयल पेस्टल, कैमल रेडी मिक्स, कैमल पोस्टर कलर्स, कैमल ऑयल पेस्टल। मूवी आगे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शानू के पापा एक मैजिक करते करते समुन्द्र में डूब गए थे। फिर उसकी मम्मी और शानू को संभाला पापा के दोस्त दिलबाग ने, जिसने उसके बेटे को अपने ढाबे में वेटर बना दिया। और यह असली मैजिक तो अब शुरू होता है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे हैरी पॉटर मूवी के सारे टाइटल प्रोडक्ट प्लेसमेंट के साथ। हैरी पॉटर एंड पार्ले एड इन न्यूज़पेपर, हैरी पॉटर एंड फ्लाइंग पार्ले जी। ये आंटी कौन है एंड तक नहीं बताते, पर ये आंटी को ये टोकरी दे दिए। और अगर आपको लग रहा है इतना काफी था, ये अगले सीन में जस्ट गिनती कीजिए। अब पार्ले जी करेगा आपका सपना पूरा। पार्ले जी के पैक में डायमंड रैपर रखा गया है। पार्ले जी खाइए, मौज उड़ाइए, पार्ले जी का पैक ले आइए और अपना सपना पूरा कीजिए। अब तो चुप हो जा। और फिर पार्ले और कैमलिन दोनों की स्कॉलरशिप शानू को मिल जाती है और शानू वेटर से बन जाता है स्टूडेंट, जहां उसे एक रात पता चलता है कि उसके पापा जिंदा है और सेक्सी प्रिंसिपल की कैद में है। तन मन की बातों से अमर संजीवनी बनाने को कन्वेंस करती है पर शानू के पापा नहीं मानते। फिर एक ही रास्ता बचता है, रंगे हाथों पकड़ लेता है शानू और घर पर एक छोटा सा चूचू जाता है बताने के लिए कि राहुल जिंदा है और सेक्सी प्रिंसिपल की कैद में। अब पापा का दोस्त तो पापा जैसा ही होगा, तो शानू की मम्मी को ये बोल के रोक लेता है, आप साथ चलोगी ना तो मामला कमजोर पड़ सकता है, और खुद आ जाता है इश्क लड़ाने, जहाँ उसे मिलती है, बड़ी नाजुक नाजुक चीज हो, अगर ऐसे टकराती फिरोगी तो डेंट पड़ जाएगा गड्डी में। देखो लड़कियों, अगर इतना भाव खाओगी ना तो आगे जाके यही बोल के खुद को मनाना पड़ेगा। छोटा, काला, मोटा, he's perfect। फिर दिलबाग एंड टीम डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल को जहर दे देंगे उसी के बर्थडे पे। तभी जुलू एक मैसेज लेके आता है, मैडम ये स्क्रीन पर ठरकी आपको नहीं आपके देख रहा है। इन लोगों ने आपको नहीं देखा। प्रिंसिपल को पता चलता है कि शानू राहुल का बेटा है, पर ये चाचा किधर देख रहा है। वहीं लीमू चाचू का उड़ता मुठ्ठल सब सुन लेता है। शानू को कहता है जो 3 गोटे दिए थे वो मुंह में डालो और गायब हो जाओ। माथे पर पसीना, गर्मी किसकी, तेरी जैसा बात सुना गर्म होने लगे तेरे को देख के आज। फिर शुरू होती है जंग, द वॉर, जहाँ पे प्रिंसिपल अपने हाथ को सांप बना के शानू को डस देती है और फाइनली राहुल को बनानी पड़ती है अमर संजीवनी। अमर संजीवनी बन जाती है पर हाथापाई में शानू देखता है कि यार ये प्रिंसिपल की जान तो इस तोते में फंसी है। फिर उसी छड़ी से तोते को पेल देते हैं, रंग बिरंगी मर जाती है, सिंपल। फिर लीमू चाचा बन जाते हैं स्कूल के नए प्रिंसिपल, शानू को उसका बाप मिल जाता है और दिलबाग सिंह को मिल जाती है उसके ढाबे की नई कुक।